कुंभ राशि, सिर्फ एक कारण की वजह से आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा। जानते हैं 30 सितंबर की कुंभ राशि फल। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास और अलग सा होने वाला है। इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें बताई गई है जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों पूरी विस्तार से आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेगा। और भोलेनाथ जी के भक्त हैं और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलेगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। आपके बेहतरीन दिनों की शुरुआत इसी दिन से शुरू होने वाली है। आपके विचार सकारात्मक रहेंगे। आप कुछ नया करने के लिए उत्सुक रहने वाले हैं। आप अपने रुके हुए कार्य संपन्न करेंगे। पारिवारिक वातावरण खुशहाल बना रहेगा। अचानक किसी रिश्तेदार से खुशखबरी मिलने की संभावना भी बन रही है। आप अपने करियर में लगातार आगे बढ़ेंगे। आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को ठीक प्रकार से पूरा करने वाले हैं। मानसिक स्थिति भी आपकी ठीक ठाक रहेगी। कामकाज में आपका पूरा ध्यान लगेगा। आपके बॉस या सुपरवाइजर ने आपकी मेहनत को नोटिस किया है और वे आपके नेतृत्व के गुणों को इनाम देने के लिए तैयार भी हैं। दोस्तों रिश्तों को लेकर आप तनावपूर्ण और सीमित महसूस कर सकते हैं। अपने विचारों के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालें। बदलाव बेहद जरूरी है, इसे स्वीकार करें क्योंकि आप अपने आप को जब तक नहीं बदलेंगे तब तक आप दुनिया के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों कामकाज के लिहाज से आज का दिन ठीक है। कहीं से रुका हुआ धन आज आपको प्राप्त हो सकता है। रिश्तों के हिसाब से आज का दिन बहुत ही अच्छा है। अविवाहित लोगों को विवाह के नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। किसी से बात करते हुए आपको अपना संकोची व्यवहार त्यागना होगा। दूर संचार के साधनों को आज ठीक रखें। कहीं से कोई अच्छी खबर आज आपको इनके माध्यम से मिल सकती है। कोई गलतफहमी दूर हो सकती है। आप दिन भर अधिक व्यस्त रहेंगे। काफी समय से चल रहे कामों को आज आप निपटा कर बता सकते हैं। आप अपने विरोधियों को भी माफ करने के मूड में रहेंगे। ऑफिस और कार्यक्षेत्र में लोग आपके विचारों से सहमत हो सकते हैं। आपके विचारों को अधिकारियों का पूरा समर्थन मिलेगा। धन कमाने के लिए आपको अधिक मेहनत भी करनी पड़ सकती है। सोचे हुए कामों को पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। दोस्तों वो एक कारण जिससे कि आपको घर बार छोड़ना पड़ सकता है। यह कारण कुछ ऐसा हो सकता है जो कि अलग अलग कैटेगरी में जो कि हो सकता है। जो लोग जॉब करते हैं उनमें से किसी को जॉब की वजह से बाहर जाना पड़ सकता है, जॉब के काम की वजह से बाहर जाना पड़ सकता है या फिर ट्रांसफर होने की वजह से घर बार छोड़ना पड़ सकता है। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनको भी अपने बिजनेस के व्यवहार के लिए है या फिर नया कोई टेंडर, नया कोई योजना बनाना हो उसके लिए मीटिंग्स के लिए घर बार छोड़ना पड़ सकता है। और जो खेती बाड़ी करते हैं उनको भी अपने खेती बाड़ी में जो जो साधन लगते हैं, जो कि यांत्रिक मशीनरी लगते हैं उनके लिए भी आपको घर बार छोड़ना पड़ सकता है। साथ ही जो ड्राइविंग का काम करते हैं, एम्बुलेंस और ड्राइवर का जो भी काम करते हैं उनको भी आज की दिन घर बार छोड़ना पड़ सकता है। तो कुछ इस तरह से। लेकिन टेंशन करने की बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं, वापस फिर आप आएंगे अपना काम समाप्त होने पर। लेकिन इस काम की वजह से आपको फायदा भी बहुत जबरदस्त हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में। आज आप अधिक धन खर्च कर सकते हैं। आज किसी भी काम के लिए आपको दौड़ भाग अधिक करनी होगी। यदि आज आप अपने मन की आवाज को गौर से सुनते हैं तो आपको अपने हर सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। आर्थिक स्थिति में आज सुधार के योग बन रहे हैं। आज आप अपनी आमदनी बढ़ाने और खर्च घटाने के तरीकों पर विचार कर सकते हैं। यदि स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी आपको है तो केवल डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। आज यात्रा के योग भी बन रहे हैं। अगर हम धनराशि फल की बात करें तो व्यापार और नौकरी
दोनों में लेन देन संबंधित गड़बड़ी आपको हानि पहुंचा सकती है। आपकी रचनात्मकता और कूटनीति के गुण आपको तारीफ के पात्र बना देंगे। संघर्ष और कल्पना भरे इस दौर का मजा लें, क्योंकि इससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। अपने जिन शौकों को अपने अब तक अनदेखा किया है, वो अब आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। लंबी ड्राइव या यात्रा का भी योग बन रहा है। किसी दिलचस्प व्यक्ति से मिलने की संभावना है। अपने बेरंग जीवन को रंगीन बनाने के लिए यह अच्छा समय है। जो भी करना है आज ही करें, क्योंकि यह वक्त वापस नहीं आएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लिए करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आज आप काम के बोझ को आसानी से सहन कर लेंगे। इससे आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलेगा। इसके लिए आपको अपने आत्मनियंत्रण व सकारात्मक सोच का सहारा लेना चाहिए। इन सब से आपको सफलता मिलेगी व करियर में भी वृद्धि हो सकती है। अगर हम लव राशिफल की बात करें तो अचानक टूटा हुआ संबंध आपके जीवन में खटास भर सकता है, लेकिन इन बातों को गंभीरता से ना लेकर जीवन में आगे बढ़े। जीवन बदलाव का दूसरा नाम है। इस बदलाव से रिश्ते भी अछूते नहीं। जिस तरह जिंदगी पल पल रंग बदलती है, ठीक उसी तरह इंसानी रिश्ते भी समय के साथ बनते बदलते हैं। आज नए लोगों से मिलने के लिए तैयार रहें। हो सकता है कि आपको अपना सोलमेट मिल जाए। दोस्त या प्रेमी के साथ लॉन्ग ड्राइव या घूमने जाने की आपकी लालसा पूरी होगी। कुछ रोमांटिक मोमेंट भी आपकी प्रतीक्षा में है। आप अपने पंखों को खोलकर उड़ना चाहते हैं, तो आगे बढ़े और अपने सपनों को साकार करें। आखिर में बात करते हैं कि आपके लिए स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मगर आज आपको छोटे मोटे दर्द से भी लड़ना होगा। आपको हल्का व्यायाम भी करना होगा। बड़ी समस्या से ना घबराएं, क्योंकि स्वास्थ्य की परेशानी ज्यादा दिन के लिए नहीं है। जो भी परेशानी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको ज्यादा लगे तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। उनसे अच्छा ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करेगा, दोस्तों के संग शेयर करेगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेगा। इस चैनल पर आपको हर रोज इसी तरह के राशिफल के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी। और हमारे चैनल पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर भी मिल जाएगा, वहां पर आप शादी के बारे में कोई भी पूछताछ कर सकते हैं, या फिर शादी कब कहाँ किससे होगी, या फिर शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं, जो कि सशुल्क है। बहुत ही कम कीमत में आपको कुंडली भी बनाकर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।